गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, दिस इज संदीप कुमार एंड यू आर वॉचिंग मोस्ट वॉन्टेड चैनल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड ए संदीप मेगा स्टार। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने हजारीबाग में बहुत सारे लोगों को देखा है थोड़ा परेशान रहते, क्योंकि हजारीबाग सेंट्रल जेल एक्चुअली है कहाँ। तो मैं क्या किया ना, मैं एक थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दिया हूँ हजारीबाग सेंट्रल जेल का, जो अपने हजारीबाग झील कैफेटेरिया की बाजू में है। ठीक है, तो उस ब्लॉग को शूट कर चुका हूँ। तो चलिए उस ब्लॉग को हम बिना कीमती वक्त आपको ज़ाय करते हुए देखते हैं। इससे क्या होगा कि लोग बहुत सारे छोटे छोटे कस्बों गांव से आते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, बहुत सारे टाइम पास हो जाता है कि वो चीज़ ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शायद आने वाले टाइम में ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग की हेल्प कर सकता है। तो चलिए चल के देखते हैं हजारीबाग का सेंट्रल जेल है कहाँ एक्चुअली, और कैसा लगता है देखने में। तो फिलहाल मैं झील पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो मैं अपना साइकिल यहां पे लगा दिया हूं और मैं यहां पर बैठ गया हूं। ठीक है, और मस्त यहां पर बैठ के मैं तो सन रेज का मजा ले रहा हूं। और ये रहा झील में। ठीक है, आपको फ्रंट कैमरा से जूम करके वीडियो में दिखाऊंगा, वो आप देख रहे हो उसको मजा लो। अब आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, अगर फ्रेंड जिंदगी कुछ करना चाहते हो ना, तो कुछ करो या मत करो, लेकिन सुबह उठकर रनिंग एक्सरसाइज जरूर करो यार। सुबह का जो मोटिवेशन होती है ना, माँ का पूरा दिन क्या कर दे रहा, बहुत आगे जाओगे अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो। क्योंकि मैंने देखा है जो जो सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं या सुबह सुबह जो मेडिटेशन करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या हो जाती है बाद में। ये अपना इसका एंडी हो गया, मैं दिखाता हूँ इससे भी बड़ा थोड़ा सा, ठीक है, इससे बड़ा। ओ देखो, और देखो इधर ना, देखो कौन सी बालिका का स्कूल है, गांधी बालिका स्कूल इधर है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ इधर 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 रुक 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 रुक। बहुत सारे लोग हैं जिसे मालूम नहीं है कि क्या मालूम नहीं, बहुत सारे लोग को मालूम है कि सेंट्रल जेल किस साइड में है, तो वो झील के ये साइड में ये रास्ता होकर आपको जाना है, ये रास्ता है, ये रास्ता दिख रहा है ना, ये रास्ता होकर आपको सीधा ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो चलो मैं थोड़ा आगे ले जाकर दिखला देता हूँ सेंट्रल जेल का रास्ता कौन सा। चलो तो गाइस, आप भी आप लोग को मैं दिखा लाता हूँ सेंट्रल जेल का रास्ता। ठीक है, मतलब सेंट्रल जेल किस साइड से, अभी मैंने जो मतलब क्या बताऊँ, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। आपको मतलब बाइक कैमरा दिखाने पड़ेगा भाई, देखिए ये घूम जाए, ये घूम जाए। ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता सेंट्रल जेल की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा, तो आप देख लो मतलब ऐसे सही जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, सही जा रहा, सही जा रहा। देखो अपना मामू प्रयास कर रहे थे, अरे बंदे देखो गाड़ी पीते हैं सुबह सुबह। ठीक है, ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया, और ये रास्ता दिख गया। ये रास्ता जाना नहीं है सेंट्रल जेल के लिए, आपको जाना है इसके आगे वाले रास्ते जाना है। देखो मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा साइकिल फरारी लेके मैं जा रहा हूँ वो आगे। ये झील का लोकेशन दिखाया थोड़ा आपको, फिर इसके बाद सीधा जाना है, सीधा सीधा सीधा, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ अपनी गाड़ी का। ठीक है, और ये रास्ता भी बहुत गलती से नहीं जाना भाई। देख लो ये रास्ता, इसके बाजू में क्या है, पानी टैंकी है। ठीक है, ये रास्ते नहीं जाना है, उसके
बाद आपको जाना है कौन सा, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, ठीक है आगे जाना है, आगे जाना है, जाना है 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 जाना है। और ये जाने बाद ये एक फोटो आएगा तो ये जो रास्ता नहीं है यार क्या, लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, कारा बोले संस्कृत में, हिंदी में बोले तो कारावास, नहीं इंग्लिश में बोले तो जेल, ये भाई यही जेल है। तो इसके आगे आप जाओगे आगे तो आप लोग को जाना कौन सा रास्ता है, वो रास्ता है ना वो वाला, वो दिख रहा है ना, वो मेरे को फ्रंट कैमरा यूज़ करना पड़ा, नहीं इसको घुमा देता हूँ ऐसा ऐसा, हाँ देखो आप लोग जाना यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद आप लोग को इधर मुड़ जाना इधर, और यहाँ से जैसे मुड़ोगे तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग सुरक्षित क्षेत्र, इस बोर्ड को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है अभी, और मैं दोस्त चाहता हूँ कि हजारीबाग वाले लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा हेल्प करूँ, और उसके बाद तो बहुत सारे वीडियोस बनाने ही बनाने हैं, स्टार्टिंग कर रहा हूँ व्लॉगिंग से, धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया, मालूम नहीं था अबूल कैसे सब करेगा, लेकिन कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। ये रास्ता आपको चलना 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 पीछे पूरा नज़ारा देखो ऐसा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ, डैड आपको ही दिखाऊंगा, मैंने आपको हाथ हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ना नहीं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपन हाथ छोड़ के चलेगा भाई, आप लोग हाथ छोड़ना मत। देखिए अब जेल आने वाला है, ठीक है। जिंदगी में तीन चीज़ें पीछे कभी मत भागना मेरे दोस्त, एक हो गया हॉस्पिटल, दूसरा हो गया कचहरी, तीसरा हो गया जेल, ये सब जिंदगी में पीछे कभी नहीं भाई, लाइफ में सब कुछ ले लेना, ये सब को कभी मत देखना ना लेना। देखो मैं अभी पहुंच गया हूँ, ठीक है आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा ये रहा, ठीक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, अंदर तो अपन जा नहीं सकता इसलिए अपन बारी सब कुछ आप लोग को दिखलाएगा, ठीक है कैमरा वैमरा सब लगा हुआ देखो यहाँ पे, ठीक है। और वो पूरा बहुत सारे बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, ठीक है आप यहाँ का देख लो, लोकेशन थोड़ा दिखा देता हूँ, जब यहाँ तक आ ही गया हो तो पूरा नज़ारा दिखाई देता हूँ ना, उसमें क्या जाता है किसी का, ठीक है मुझे तो सिर्फ कंटेंट चाहिए बनाने के लिए, अब पब्लिक को जितना ज़्यादा चलेगा उतना जिससे ज़्यादा मुझे चलेगा कि लो भाई कोई तो देख रहा है वीडियो, ठीक है ये हो गया। और इधर भी देखो क्या है ना, इधर भी अभी धीरे धीरे मतलब गवर्नमेंट के साथ फ्लैट्स बनने चालू हो गए हैं, तो आने वाले डेट में सबको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है गरीबाग में, ठीक है जहाँ तक मुझे दौड़ा रहा हूँ वो सब बन गए हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी और इसने मेरी ब्लॉग ने थोड़ी सी हेल्प की होगी आप लोग को हजारीबाग सेंट्रल जेल को जानने में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ऑलवेज। सो गाइस तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू लेटर एंड सी यू सून, जय हिंद, वंदे मातरम।